सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 14 ऑफ बीटेक एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, सब्जेक्ट ऑफ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट कोड इज़ EB5125। इस लेक्चर में आज हम एग्ज़ाम में कुछ कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है क्वेश्चन की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड जॉइंट, ठीक है। तो आज हम यही डील करने वाले हैं और इसमें एक आपका अरेंजमेंट देखने वाले हैं कि हम रिवेटिंग और रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शन के लिए किस किस टाइप का अरेंजमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेल्डेड जॉइंट से। तो माय नेम इज अभिषेक गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। तो चलो शुरू करते हैं। देखो पहला, देखो हम तीन टाइप के कनेक्शन पढ़े थे, कौन कौन सा, रिवेट, बोल्ट और आपका वेल्डेड जॉइंट, ठीक है। मैंने उस टाइम बताया था कि जिसमें सबसे ज़्यादा इफिशेंसी किसकी होती है, वो है वेल्डेड जॉइंट की, क्योंकि इसमें हम किसी भी तरह के होल्स नहीं करते। इससे क्या होता है, आपका किसी भी प्रकार का एरिया रिडक्शन नहीं होता, किसमें, प्लेट्स में, ठीक है। तो वेल्डेड जॉइंट में क्या होता है, अपन किसी भी तरह का होल नहीं करते, इसलिए क्या होता है, उसकी जो लोड को ज़्यादा इफेक्टिवली ये रेसिस्ट कर पाता है। तो ये हो गया आपका पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज मैं ये कह सकता हूँ कि रिवेटेड जॉइंट के आपका जो रिवेटेड जॉइंट होता है उसमें हम तो करना पड़ता है होल करना पड़ता है बहुत सारा, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, रिवेट को गर्म करते थे और इंस्टॉल करते थे और हैमरिंग करके उसका हेड बनाते थे, तो बहुत टाइम चला जाता था, ठीक है। बट अपन वेल्डेड जॉइंट से हम ज़्यादा टाइम पे, मतलब सर कम टाइम पे हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा आपका जॉइंट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरा एडवांटेज क्या हो सकता है, जो वेल्डेड जॉइंट है रिवेटेड जॉइंट के कंपेयर में इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। हमको बहुत सारे नंबर ऑफ रिवेट्स यूज़ लगेंगे, उसको होल करना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसको इंसर्ट करना पड़ेगा, स्किल लेबर रिक्वायरमेंट होगा एक्सेट्रा, ठीक है। बट वेल्डेड जॉइंट में क्या होता है, इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता जितना आपका रिवेटेड कनेक्शन में आता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हम जो भी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं अपीयरेंस भी मैटर करता है, ठीक है। तो जो रिवेट जॉइंट से क्या होता है, आपका अपीयरेंस थोड़ा ख़राब दिख जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा होल्स हो जाते हैं, आपको नंबर ऑफ़ रिवेट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। बट अपन वेल्डेड जॉइंट में क्या होता है, किसी भी तरह का एरिया रिडक्शन नहीं होता, तो उसका क्या अपीयरेंस ख़राब नहीं होता है। उसके बाद है क्या, आपका स्पीड, ठीक है। रिवेटेड जॉइंट बनाने में आपको बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम का रिक्वायरमेंट होता है। बट वेल्डेड जॉइंट में क्या होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। नॉर्मली वहाँ पे क्या किया जाता है, दो प्लेट्स को रख करके सीधा वेल्ड कर दिया जाता है, जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है। बट रिवेटेड में क्या होगा, आप होल करेंगे, फिर उसको रिवेट को गर्म करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे, फिर उसको हैमरिंग करेंगे, तो बहुत समय चला जाता है, ठीक है। और क्या हो सकता है आपका, जैसे कि आपका एक तरह, हाँ, वेल्डेड जॉइंट को अपन कम्प्लीटली रिजिड जॉइंट भी बोल सकते हैं। वेल्डेड जॉइंट क्या होता है, नॉइसलेस होता है, बिल्कुल भी इसमें नॉइस नहीं आता, मतलब कि आता है बट कम आता है एज़ कम्पेयर टू रिवेट जॉइंट, क्योंकि उस पर हमको हैमरिंग करना पड़ रहा था, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे कि आपको वेल्डेड जॉइंट के लिए या बनाने के लिए आपको कम स्पेस, कम प्लेस का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये सब कुछ इसका क्या हो गया, एडवांटेज, ठीक है, ठीक है। तो देखो अब इसके बाद अपन देखते हैं डिसएडवांटेज, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है, तो देखो पहली बात तो थोड़ा आपको, जैसे कि आपको ऐसे लेबर को रखना पड़ेगा जिनको जॉइंट्स के बारे में नॉलेज हो, ठीक है। उनको सही तरीके से आपको उनको वेल्डिंग करना आना चाहिए, ठीक है। तो पहला हो गया इसमें कि आपका स्किल लेबर की आपको रिक्वायरमेंट होगी फॉर वेल्डेड जॉइंट, किस लिए, ताकि वो सही से वेल्डिंग कर पाए, क्योंकि आपका जो जॉइंट, जो आपका स्ट्रेंथ है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके वेल्डेड जॉइंट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या, जो वेल्डेड जॉइंट होता है, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, वो टेंशन में तो स्ट्रांग होता है बट आपका सीयर में वीक होता है ना। जैसे कि मैं बताया, हैमरिंग करोगे तो वो तुरंत वो सीयर होके अलग हो सकता है, बट आप उसको खींचेंगे तो नहीं टूटेगा। बट जैसे जैसे समय बीतता जाता है, स्ट्रक्चर पुराना होते जाता है, तो एक फटीक आता है, ठीक है, फटीक स्ट्रेंथ। उससे क्या होता है, जो वेल्डेड जॉइंट की जो फटीक स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होते चली जाती है। जैसे कि आपको केस याद होगा मुंबई का, 80 कुछ साल पहले मुंबई का एक ब्रिज कोलैप्स कर गया था, ठीक है। वो क्यों कोलैप्स कर गया था, क्योंकि बिकॉज ऑफ फटीक, ठीक है। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेज हो गए आपके। इसके बाद अपन देखते हैं कुछ अरेंजमेंट्स के बारे में, ठीक है। सो अभी देखते हैं कि हमने तो रिवेट जॉइंट पढ़ लिया, रिवेट और बोल्ट लगभग सेम ही होता है डिज़ाइन, ठीक है। अब हमको ये भी तो जानना पड़ेगा कि इसमें कितने टाइप के हम अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो पहला तो होता है आपका, देखो, चैन रिवेटिंग, मतलब कि इसमें जो आपका रिवेट्स लगे हैं वो क्या है, एक चैन के फॉर्म, मतलब एक चैन में एक लाइन पे है, जैसे कि ये आपका ये ऐसा ऐसा एक चैन के फॉर्म में, एक लाइन के फॉर्म में, ठीक है। तो इस टाइप के पैटर्न को बोलेंगे हम चैन रिवेटिंग पैटर्न, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्या, स्टैगर्ड रिवेटिंग, या फिर इसी को और क्या बोल सकते हैं हम, जिगजैग रिवेटिंग, ठीक है। क्यों, बिकॉज ऑफ जो आपका
इसमें रिवेटिंग या फिर बोल्टिंग वर्क ऐसा हुआ है आपका, ऐसा जिगजैग वे में, देखिए ऐसा जिगजैग वे में आपको दिख रहा होगा ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम स्टैगर्ड बोल्टिंग। अब इसमें कुछ कुछ दो टर्म्स आए हुए हैं, जैसे कि स्टैगर्ड पिच क्या होता है, डायगोनल पिच क्या होता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ, डायगोनल पिच, ठीक है। तो क्या होता है, जिगजैग रिवेटिंग में दो रिवेट के सेंटर टू सेंटर अपन जो मेज़र करते हैं डिस्टेंस डायगोनली, उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल पिच। जैसे कि मैंने रेड कलर से यहाँ पे मार करके रखा हुआ है, देखो, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, डायगोनल पिच। अब जैसे कि हम लोग पिच, ये हो गया आपका पी फोर्स, ठीक है। अब इस फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है, इस फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन में दो रिवेट के सेंटर टू सेंटर मापी गई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, उसको क्या बोलेंगे हम, स्टैगर्ड पिच। और गॉस डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस तो आपको पता ही है क्या होता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टैगर्ड पिच। इसके बाद लास्ट आता है आपका डायमंड पैटर्न, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न इन रिवेटिंग एंड बोल्टिंग, ठीक है, अरेंजमेंट में सबसे बेस्ट पैटर्न माना जाता है ये इसको। सबसे अगर कंपेयर करूँ इन तीनों में, तो जो सबसे ज़्यादा मेरे को स्ट्रेंथ, मतलब कि किसी ज्वाइंट को ज्वाइंट प्रोवाइड करता है, अगर इक्वल नंबर ऑफ बोल्ट है, मान लो कि चैन रिवेटिंग में भी 6 नंबर ऑफ बोल्ट है, स्टैगर्ड में भी 6 नंबर ऑफ बोल्ट है, और मान लो डायमंड में भी आपको 6 नंबर ऑफ बोल्ट दिए गए हैं। तो इन 6 बोल्ट को लेकर के मैं तीन टाइप के ज्वाइंट बनाता हूँ आपका, कौन कौन सा, चैन, स्टैगर्ड और डायमंड। तो जो सबसे बेस्ट स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करेगा, जो सबसे बेस्ट होगा, वो होगा आपका डायमंड पैटर्न, ठीक है। अब इसको बात ये आता है कि अपन इसको यूज़ क्यों नहीं कर पाते, बहुत कम यूज़ कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ आपका विड्थ आपको सही होना, आपके पास ज़्यादा होना चाहिए प्लेट की, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास लिमिटेड विड्थ है किसी भी प्लेट की, और मान लो वहाँ पे सिर्फ एक साथ मैं दो, एक लाइन पे मैं दो ही बोल्ट को लगा सकता हूँ, तो होगा क्या मेरे को, मान लो नंबर ऑफ बोल्ट 6 है, तब मैं ऐसे कंडीशन में नहीं प्रोवाइड कर पाता हूँ क्या डायमंड ज्वाइंट। यही रीज़न है कि हम हर जगह इसको नहीं प्रोवाइड कर पाते। बट अगर मैं तीनों को कंपेयर करूँ, तो सबसे बेस्ट ज्वाइंट जो होगा वो आपका क्या होगा, डायमंड पैटर्न ही होगा, ठीक है। तो ये था आपका अरेंजमेंट ऑफ रिवेटिंग और बोल्टिंग। अब ये चीज़ इसलिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आपको टेंशन मेंबर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट टेंशन मेंबर ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टेंशन मेंबर देखेंगे कि क्या होता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, उसका क्या इसका डिज़ाइन प्रोसीजर है, ठीक है। तो उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसलिए इसको मैंने आपको पढ़ाया ताकि, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको अरेंजमेंट पता होना चाहिए। सो थैंक यू।